महाकाव्यों का व्युत्क्रम जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमारी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रह गया था, पहले जरा उसे समझ ले आप लोग, फिर आगे देखते हैं। बेटा उसमें सबसे पहले परमे नंबर 3 रहेगी थी एक हमारी, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता यानी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब है अगर मैं आपको कोई आव्यूह ए देता हूँ और कहता हूँ कि इसका इनवर्स ज्ञात करो, तो उसका जो इनवर्स है चाहे दो बच्चे ज्ञात करें, चाहे चार करें, पांच करें, सबका आंसर एक जैसा आएगा। ऐसा नहीं कि किसी का इनवर्स कुछ आ गया, किसी का इनवर्स कुछ आ गया, क्योंकि किसी आव्यूह का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, यानी वो एक होगा, बिल्कुल अद्वितीय। तो बेटा ध्यान रहे, आव्यूह अगर ए है हमारे पास, उपपत्ति में इसकी करा रहा हूँ, और ए आई से एम कोटि का वर्गाव्यूह है अगर ये, और मैंने कह दिया कि इसके बी और सी दो ए आव्यूह के व्युत्क्रम है, मैंने मान लिया कि ए आव्यूह के व्युत्क्रम बी भी है और सी भी है। तो बेटा अभी मैंने क्या बताया था कि दो व्युत्क्रम नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर बी और सी दोनों व्युत्क्रम है तो बी और सी दोनों क्या होंगे, बराबर। यही तो सिद्ध करना होगा हमें, जब दो व्युत्क्रम नहीं हो सकते, एक ही होता है, तो इसका मतलब बी और सी बराबर होंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने कारक शुरू किया, क्योंकि ए का व्युत्क्रम बी है। देखो बेटा बी और सी ए के व्युत्क्रम है, तो सबसे पहली लाइन में हमने लिखा क्योंकि ए का व्युत्क्रम बी है। तो व्युत्क्रम की परिभाषा मैंने पढ़ाई थी कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर आई, यानी अगर एक आव्यूह दूसरे का व्युत्क्रम है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, आई। अब ए का व्युत्क्रम सी है, सी को भी हम ए का व्युत्क्रम ही मान के चल रहे, तो यहाँ ए डॉट सी करें, सी डॉट ए करें, तो भी क्या आना चाहिए, आई। क्लियर। अब हमें सिद्ध करना बी बराबर सी। तो बेटा बी बराबर सी के लिए हम क्या लिखें, यहाँ से यहाँ लिखा हमने अतः बी बराबर। तो बेटा बी के बराबर आप चेक करें क्या हो सकता है, क्या बी के बराबर मैं ये नहीं लिख सकता आई इंटू बी, कोई फर्क पड़ गया, नहीं आई की गुणा तो हम कहीं भी कर सकते हैं। अब हमने आई का मान रखा, अब बेटा आई का मान क्या रखा हमने यहाँ से, देखो आई का मान हमारे पास क्या है, बी ए भी है, और आई का मान हमारे पास ए बी भी है, आई का मान हमारे पास क्या है ए सी भी है, आई का मान हमारे पास क्या है सी ए भी है। अब आई का इन चारों में से हमने एक मान रखा, बेटा आई का जो मान है वो हमने रख दिया यहाँ पर बी ए, आई की वैल्यू जो है वो हमने क्या रख दी बी ए, और यहाँ क्या रखा हमने बी। देखो आप आई का मान लिख दो, आप समीकरण एक से आई का मान रखने पर ये आई का मान हमने क्या रख दिया बी ए। अब बेटा देखो आई के मानों को ब्रैकेट में बंद करा और बी लिखा, अब हमने क्या किया, ये बी के बराबर चल रहा था हमारा कार्यक्रम, साहचर्य नियम अप्लाई कर दिया। बेटा साहचर्य नियम क्या कहता था कि बी ए की गुणा बी में कर लो या फिर बी डॉट ए बी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखो आप भाई, आप b की वैल्यू ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b इंटू ए बी बताओ, लिख नहीं सकते क्या भाई। अगर मैं रखता हूँ यहाँ सी ए रखो, सॉरी सी ए से जल्दी आएगा आंसर ना तुम्हारा, हमने क्या रखा सी ए, ये रखा हमने यहाँ से सी ए, तो c बाहर आ गया हमारे पास, अंदर कितना रह गया ए बी, और मान कहाँ से रखा है समीकरण 2 से, तुम्हें सुविधा रहेगी इसमें। तो बेटा b बराबर c इंटू ए बी, हमने कौन सा नियम लगा दिया यहाँ पर, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम के अकॉर्डिंग क्या, ये ब्रैकेट सी ए के ऐसे ना लग के कहाँ लग गया, यहाँ पर साहचर्य नियम में तुम पढ़ चुके। अब बी बराबर सी इंटू ए बी, अब ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, आई, ए बी के बदले हमने फिर से क्या रख दिया आई, कहाँ से रखा है हमने समीकरण एक से। अब आप क्या देख रहे बेटा, आई की गुणा तो कहीं कर लो ना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या सिद्ध कर दिया हमने यहाँ सी, अतः बी बराबर सी, और ये हमें सिद्ध करना था। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बेटा पहला अगर तुम्हारा पढ़ावा होगा तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, और पहला पढ़ावा नहीं होगा फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बेटा परमे नंबर 4 है ऐसे ही, यदि ए वे भी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी ए और बी दोनों कैसे इनवर्सिबल, व्युत्क्रमणीय कैसे होते हैं जिनका इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ऐसे नहीं है इनका इनवर्स ज्ञात हो सकता है, तो सिद्ध करो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। आपने इससे पहले ए बी का होल डैश भी पढ़ा था, बी डैश ए डैश, तो यहाँ ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेटा ये हमें सिद्ध करना है। अब हमने क्या किया, ए बी पूरा का पूरा एक आव्यूह मान लिया,
भाई दो एव्यू गुणा करके भी तो एक आव्यू आता है। अगर ए बी पूरा का पूरा एक आव्यू है तो एक आव्यू और उसके इनवर्स की गुणा यानी ए बी और ए बी के इनवर्स की गुणा आई, ये चीज आप व्युत्क्रम में पढ़ चुके कि किसी आव्यू के अगर उसके व्युत्क्रम में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है आई। अब हमने क्या किया, दोनों में ए इनवर्स की पूर्व गुणन करने पर, पूर्व का मतलब लेफ्ट साइड से, ऐसा नहीं कि राइट से कर दी, पूर्व का मतलब लेफ्ट की तरफ से करो बेटा गुणा। मुझे लग रहा अगले पेज पे चलो, अच्छा ए इनवर्स और यहाँ कितना आ गया आपके पास ए बी, और ये कितना था आपका ए बी का होल इनवर्स और बराबर ए इनवर्स इंटू आई। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब बेटा जब ए इनवर्स की गुणा कर दी आई में, तो आई तो वन है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ से तो, लेकिन इधर की तरफ हमने साहचर्य नियम लगा दिया। साहचर्य नियम कहता है कि ए इनवर्स ए की गुणा करके बी रख दो, इस साहचर्य नियम से ब्रैकेट इधर से हटा के इधर लगा दिया, और गुणा में क्या था इसका ए बी का होल इनवर्स और बराबर था हमारे पास ए इनवर्स आई को आप छोड़ दें। कौन सा नियम लगा के ब्रैकेटों बेटा लिखते रहे, ये पर में आती है पेपर में, इनको आप ध्यान से करें साहचर्य नियम से। अब बेटा ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया आपके पास आई, ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए के बदले हमने क्या रख दिया आई, और क्या था हमारे पास बी ए बी का होल इनवर्स, बी और ए बी का होल इनवर्स और बराबर कितना था आपके पास ए इनवर्स, तो बराबर था हमारे पास ए इनवर्स। आई भी था, आई हमने हटा दिया, आई आप यहाँ से भी हटा दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा आई जब हट गया, अब हमने वही गुणा, अब हमने क्या करा बी इनवर्स की दोनों और कैसी गुणा करने पर, पूर्व गुणन करने पर। तो बेटा पूर्व गुणन किया, आई तो हट गया, आई तो वैल्यू बना है, इसको तो जहां मर्जी लगा लो जहां मर्जी हटा लो। तो बेटा ये गुणा हुई बी इनवर्स इंटू बी होगी गुणा, और यहाँ आया आपके पास ए बी का होल इनवर्स और बेटा पूर्व गुणन हो रही बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है आई, देखो आपके पास क्रम विनिमय नियम से, तो ये हो गया आई और यहाँ आ गया आपके पास ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेटा आई तो खत्म, अब आप या करके लिखते हैं कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेटा इनवर्स वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अब हम शुरू करते हैं आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल। तो मिसलेनियस शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं एक बार, बेटा मिसलेनियस में है क्या आपके पास, मिसलेनियस में सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी आपने 11th में जो पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई, तो वो भी यही है। वहां क्या होता था हमारे पास, कोई सूत्र लिखा हुआ हमारे पास, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें, जैसे आपने लिख दिया 1+2+3 डॉट डॉट एन बराबर एन एन प्लस 1/2। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा तुम्हें, तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए आप क्या करते थे, पहले पी एन के सच दैट इसको लेट करते थे, पी एन सच दैट, फिर n बराबर 1 पर जांच करते थे दोनों साइड बराबर है या नहीं है, फिर n बराबर k पर जांच करते थे, फिर n बराबर k प्लस 1 पर जांच करते, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो बेटा वही चीज यहाँ है, मिसलेनियस एग्जाम्पल 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने हैं, पहला मैं तुम्हें बता रहा हूँ उदाहरण 26-28। आज ज्यादा काम नहीं दे रहा और कल कोशिश करेंगे इसको चैप्टर को खत्म कर दें। तो बेटा देखो हमारे पास एक आव्यू ए दिया है 0100 n belongs to n के लिए, हमें सिद्ध करना है ai plus ba की होल पावर n बराबर 30। तो हमने मान रख दिया इसमें, तो बेटा a into i की वैल्यू रख दी 1001, क्योंकि 2/2 चल रहा है पूरा, वैसे बुक में दे भी रखा है इसने ना, और प्लस b into a, बड़े ध्यान से समझे बेटा इसको, 3-4 क्वेश्चन इस पर आधारित, 01 और 00। और देखो बेटा यहाँ पूरे की होल पावर एन है, तो तुमने यहाँ भी ब्रैकेट लगाया, यहाँ भी ब्रैकेट लगाया, पूरे की होल पावर एन बराबर ए की पावर एन इंटू आई, आई की वैल्यू रखी हमने 10 और 01, प्लस आ गया आपके पास एन, और एन के बाद आ गया आपके पास एन ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी, और पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया ए, ए जो था हमारे पास 01 और 00।
मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ तक की बात। तो बेटा दोबारा देखो, a इंटू आई, आई की वैल्यू 1001 प्लस बी, a की वैल्यू 0100, पूरे की होल पावर n, तो हमने पूरे की होल पावर n, a की पावर n इंटू आई, आई 1001 प्लस n, a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू a, a की वैल्यू क्या रख दी हमने 0100। क्लियर है बात। अब बेटा इनको हमने a के अंदर गुणा कर दी, तो जब a के अंदर गुणा करी a 0 0 a प्लस b के अंदर गुणा करी 0 b 0 0 और पूरे की होल पावर n, तो हमने पूरे की होल पावर n लगा दी, और यहाँ a की पावर n के अंदर गुणा करी a की पावर n 0 0 a की पावर n और प्लस बेटा इधर हमने इसके अंदर गुणा कर दी, तो इस पूरे की जब अंदर गुणा होगी तो 0 और यहाँ गुणा हुई n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी और 0 और 0। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर होगी होगी। अब बेटा हमने क्या काम किया, दोनों को जोड़ दिया इनको, दोनों को जब जोड़ा तो a को 0 के साथ जोड़ा a, 0 को b के साथ जोड़ा b, 0 को 0 के साथ जोड़ा 0 और a को 0 के साथ जोड़ा a, पूरे की होल पावर n, और बराबर इधर भी जोड़ दिया हमने a की पावर n को 0 के साथ जोड़ा a की पावर n, और बेटा 0 को जोड़ा n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, 0 को 0 के साथ जोड़ा 0 a की पावर n को जोड़ा a की पावर n। तो बेटा ध्यान रहे अगले जो दो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कुछ थोड़ा जल्दी हो गया था इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। तो ध्यान दें आप लोग, इसकी हॉल पावर n बराबर ये सिद्ध करना है। अब इसको आसान शब्दों में समझो कि अगर एक आव्यूह की पावर 2 है तो आप उसको दो बार गुणा में करके लिख दो आंसर आ जाएगा, एक आव्यूह की पावर 3 है तीन बार गुणा में लिख दो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पावर क्या है n, और बेटा n पावर से निपटने का काम कैसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो वो ही मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो वहां के लिए सबसे पहला काम क्या होता था, वहां इसको PN सच दैट मानते थे, इसको समीकरण नंबर 1 मानते थे, सबसे पहला काम क्या था वहां पर, n बराबर 1 रखने पर। बेटा हमने n बराबर 1 रखा, थोड़ा इसको बोल रहे, तो जब n बराबर 1 रखा तो ये आया आपके पास P1 सच दैट, तो 1 रखा बेटा हमने n बराबर 1, तो ए बी 0 a पूरे की पावर 1 बराबर a की पावर n, n का मतलब 1 हो गया, छोड़ दो, चलो लिख दो n, n का मतलब 1, a की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी, यहाँ आया 0 और a की पावर 1। क्लियर है बात। फिर हमने इसको लिखा ए बी 0 a बराबर, और यहाँ आ गया प्लस a और a की पावर 1 माइनस 0 तो 1 हो गया, तो ए बी 0 a दोनों इक्वल आ गए बेटा, तो समीकरण नंबर क्या डाल दी, 2। और क्या लिखेंगे आप यहाँ से, आप यहाँ लिखेंगे कि n बराबर 1 पर कथन सत्य है। तो बेटा n बराबर 1 पर जब कथन सत्य है तो हम क्या करा करते थे, वहां n बराबर k रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। बेटा n बराबर k रखा हमने समीकरण 1 में, तो आया पी के सच दैट ए बी 0 a और पूरे की पावर आ गया आपके पास k बराबर, ऐसे यहाँ a की पावर k और n के बदले k रखा, k a की पावर k माइनस 1 इंटू बी 0 और a की पावर k रख दिया, इस पर डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3। फिर हम क्या करते थे, यदि n बराबर k पर कथन सत्य है तब, ध्यान करो n बराबर k प्लस 1 लाया करते थे वहां, तो हर जगह k प्लस 1 लाने का अलग तरीका होता है, यहाँ अगर इस आव्यूह में आप समीकरण 2 की गुणा कर दे, इट इज समीकरण 2, इसकी गुणा कर दे, बेटा ये भी वही आव्यूह है, ये भी वही आव्यूह है, तो k प्लस 1 हो जाएगी पावर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, समीकरण 2 की 3 से परस्पर गुणा करने पर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि
ये जो आव्यूह है आपका ए बी जीरो ए की दोनों तरफ गुणा करने पर, तो हमने बेटा गुणा करी तो ये था हमारे पास, ध्यान से देखें, ए बी जीरो ए की पावर के, इधर की तरफ गुणा करी राइट की तरफ, तो इधर भी राइट ही तरफ होगी, ये था ए बी जीरो ए और बराबर ये था हमारे पास ए की पावर के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी जीरो ए की पावर के और बेटा इधर की तरफ से गुणा हुई ए बी जीरो ए। देखो बेटा पावर के है तो के आ रहा था पी के, अब पावर के प्लस वन आ गई, देखो एक पावर ये भी जुड़ गई है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे पी के प्लस वन सच दैट, तो ये आ गया आपके पास पी के प्लस वन सच दैट और ए बी जीरो ए पूरे की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू। बेटा गुणा का कार्यक्रम स्टार्ट करें, गुणा करने तुम्हारे बात ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बेटा फर्स्ट रो की गुणा करी ए की पावर के की गुणा हुई ए में और इसे पूरे की गुणा जीरो में हुई तो जीरो, अब इसकी गुणा यहाँ हुई ए की पावर के इंटू बी और इसकी गुणा यहाँ हुई प्लस के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी और इंटू ए, समझ आ गई होगी बात, इसकी गुणा यहाँ हुई जीरो और प्लस जीरो, अब इसकी गुणा यहाँ हुई जीरो प्लस ए की पावर के इंटू ए, क्लियर है बात। बेटा मैं इधर का नहीं लिख रहा, बस इधर इधर का ही लिखता हुआ चल रहा हूँ, तुम्हारी समझ भी आ रहा होगा, तो ये आ गया ए की पावर के प्लस वन। यहाँ आप देखो बेटा ये ए है, ये ए की पावर के माइनस वन है, तो इन दोनों को कितना हो गया, पहले इसको लिख दे जरा, ए की पावर के इंटू बी, ये लिखा आपने के बी और ये ए की पावर कितनी आ गई के माइनस वन और प्लस वन, क्योंकि गुणा मंगाते जुड़ जाती है, समान आधार है अगर जीरो और ए की पावर के प्लस वन, तो इसको आपने लिख दिया ए की पावर के प्लस वन जीरो और ए की पावर के प्लस वन। तक बेटा ए की पावर के इंटू बी, ये ए की पावर के वन से वन तो कटी गया, ए की पावर के इंटू बी आपने क्या करा कॉमन, ए की पावर के इंटू बी कॉमन, यहाँ बच गया वन और यहाँ बच गया आपके पास के, ब्रैकेट कर दिया हमने वन, तो ये आ गया हमारे पास, पूरा ही लिख दे पी के प्लस वन सच दैट, यह आपके पास ए बी जीरो ए और पूरे की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू, यह आ गया आपके पास ए की पावर के प्लस वन और इसको आपने लिख दिया के प्लस वन स्टार्टिंग में लिख दिया और ए की पावर के इंटू बी और जीरो और ए की पावर के प्लस वन, इसको लिख दिया समीकरण चार। अब बेटा इसकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसी से कर लो चाहे, देखो यहाँ के है तो यहाँ के प्लस वन दिखाई दे रहा, यहाँ ए की पावर के है तो ए की पावर के प्लस वन दिखाई दे रहा, जीरो है तो जीरो, ए की पावर के है तो ए की पावर के प्लस वन, जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ के प्लस वन दिखाई देगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ आपको के प्लस वन दिखाई देगा, तो यही तो गणित आगमन सिद्धांत होता था। देखो के है के प्लस वन, ए की पावर के माइनस वन, तो इसको आप एक जोड़ दें और एक आप घटा दें, ए की पावर के का मतलब के प्लस वन माइनस वन, नहीं जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ क्या दिखाई दे रहा आपको के प्लस वन, तो ये गणित आगमन सिद्धांत से सिद्ध हो गया। तो आप लिखेंगे समीकरण एक दो तीन व चार से सिद्ध होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काम, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि फिर तुम्हारी लाइब्रेरी में से भाग जाती है, और होमवर्क में तुम्हें दे चुका और कल कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम निपटा सा ही दें, लगभग लगभग कोशिश की जाएगी पूरी पूरी। तो बेटा ध्यान से देखें वीडियो, पूरे ध्यान लगा के मन लगा के वीडियो देखें, तभी ये काम हो पाएगा।